भिंड में जान देने की नियत से कूदा युवक, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। भिंड शहर में यूं तो गौरी सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन संसाधन और सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था ना होने के कारण ये सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व महिला ने गौरी में कूदकर जान देने की कोशिश की, तो वहीं आज एक युवक ने गौरी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल युवक को सकुशल बाहर निकाला। दरअसल मामला भिंड शहर के गौरी सरोवर का है, जहां आज अजय शाह के नामक युवक ने गौरी में जान देने की नियत से छलांग लगा दी। मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसमें देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव अपने दल बल और रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तालाब से सकुशल अजय को बाहर निकाला। देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव ने बताया कि अजय का मानसिक संतुलन सही नहीं था, इसके चलते उसने जान देने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के बताए अनुसार इससे एक दिन पूर्व भी महिला ने जान देने की कोशिश की थी, उसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। गौरी सरोवर भिंड में सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अभी ना तो आसपास कोई रेलिंग है और ना ही तार फेंसिंग या जाली है, इसके चलते आए दिन सुसाइड पॉइंट ये बनता जा रहा है। कई लोग आकर गौरी में जान देने की नियत से छलांग लगा देते हैं, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। शहर के बीचों बीच होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से गौरी में रेलिंग या जाली लगाने की जरूरत है, ताकि लोग सुरक्षित रहें। ये अजय सन ऑफ पहलाद साग पीटीआई रोड का रहने वाला है, सिवरेकपुरा का। इसका लोगों के द्वारा बताया गया कि ये जो है यहाँ पर गौरी सरोवर में जो है कूद गया था। कूद के जो है जो बीच में टापू दिख रहा है, उस टापू के पास पेड़ से जो है बैठ गया, लटक के बैठ गया था। यहाँ लोगों ने जैसे सूचना दी तो तत्काल हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ जो है यहाँ पर आए और उसको सकुशल निकाला। निकालने के बाद पता लगा कि ये अजय जो है मानसिक रूप से विचलित है और कई बार इस तरीके का जो है कर चुका है। इसके घर वाले भी जो है अभी इसके घर वालों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, पता करते हैं। और अभी जहाँ क्षेत्रीय लोग जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान है और इस तरीके की हरकत करता रहता है।